IIM च पोस्ट ग्रेजुएट पद्धर ते मैनेजमेंट प्रोग्राम विच दाखल होए। नवंबर विच हुई सांझी दाखला प्रीख्या 2020 कैट विच हिस्सा लैण वाले देश भर दे 190,000 विद्यार्थियों विचों गढ़शंकर दे आर्यन कपूर पुत्र राकेश कपूर श्वेता कपूर ने टेस्ट विचों मोहरी रहे 9 प्रीख्यार्थियों विच अपना नाम दर्ज करवाते हुए जिथे पंजाब दा नाम रोशन आया है उत्थे ही अपने माता पिता कपूर परिवार अते खासकर गढ़शंकर इलाके दा नाम रोशन किया है। कूल पारोवाल तो 10+2 कान उपरंत बिट्स पलानी राजस्थान तो इलैक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषय से इंजीनियरिंग कर रहे चौथे आखिरी साल के विद्यार्थी आर्यन कपूर ने कैट विच 100 विचों 100 अंक हासिल करते हुए देश भर विचों मोहरी चुने गए 9 प्रीख्यार्थियों विच अपना नाम दर्ज करवाया है। कर सारे नो, मैं आर्यन कपूर सपुत्र श्री राकेश कपूर ते श्रीमती श्वेता कपूर, मैं गढ़शंकर निवासी हाँ। तो मैं MBA करना चाहता सी, तो इसलिए मैं कैट की परीक्षा दिती सी, जिदे विच 190,000 बच्चों ने बैठ के परीक्षा दिती है। तो उदे विच मेरा सौभाग्य नाल 100% आई लाई है, जिदा मतलब कि मैं टॉप दे 9 रैंकां च रहा हाँ। तो इस तो पहला मैं दसा तो मैं 10th अपनी माउंट कारमल स्कूल विखे की है गढ़शंकर जी, तो 12th दुआबा स्कूल तो की है। तो हुण मैं इलैक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहा हाँ बिट्स पिलानी राजस्थान तो उत्थे मैं फाइनल ईयर चाँ, तो अगले साल तो होपफुली मैं MBA करन दा कोशिश करां। ते ए यानी सफलता दा राज रहूगा कि मेरे परिवार दा मैनू सपोर्ट सी, जेड़े साडे नाल हले है नहीं फैमिली मैंबर उन्हां दा उपरों सानू आशीर्वाद रहा, मेरे नानी जी नाना जी डैडी जी ते साडे कनिष्ठ मित्र सीगे पवन अंकल, उन्हां दा भी मैनू शोर आ कि आशीर्वाद रहा होगा। ते बाकी इलाका निवासियां दा प्यार ते सद्भावना साडे नाल बनी रही है, ते उन्हां दा सपोर्ट रहा ही है। तां मैं धन्नवाद कर दिंदे, अगे भी आशीर्वाद बनाई रखो सारे, साडे ते यही आस है। थैंक यू। तुसीं अगे की बनना चाहुंदे जी? अगे हले मेरा हैगा प्लैन कि मैं MBA करके यानी वधिया एक बिजनेसमैन बना के अगे अपने पापा दा भी जिद्दां साडे बिजनेस ओह वी अगे इक वधाईए आपां, ते अगे होर वी यानी समाज नूं वी वधिया तरीके नाल कुछ आपां सेवा कर सकीए, तो यही हले तो प्लैन है, बाकी देखो अगे की होंगे। तुहानू क्या फील हो रहा जिवें हुण तुसीं टॉप कीता? हले तो देखो कि यानी विश्वास ही नहीं, पहले तो हो रहा कि इदा मैं भी कर सकता हाँ, क्योंकि छोटे होंदे तो आपां देखते आ रहे हैं कि यानी कोई ना कोई टॉप करता सी, तो कई बार होंदा सी नंबर घट आते सी, बट यानी मेरे उही पेरेंट्स नाल रहे सारे ने साथ दिता, चलो वो कारण मुमकिन होया है, तो मैं हुण खुश बहुत खुश हाँ, यानी कि ही दसा यानी इन्नी खुशी है। नमस्कार जी, अज बहुत ही खुशी और भागा भरिया दिन है कि साडे बच्चे ने जिहड़ा कि इंडिया दे विच टॉप 9th रैंक जिहड़ा हैगे 9 जिहड़े आए हैं उन्होंने विच इहदा नाम आया है, तो बहुत ही फखर वाली गल है। जिदा कि सारिआं नूं पता ही है कि जदों भी बच्चा कोई कामयाब हुंदा तो सब तो वध खुशी उहदे पेरेंट्स नूं हुंदी आ, तो साडे लई बहुत माण वाली गल आ। बचपन तो इहदा पढ़ाई वल बहुत ध्यान सीगा, तो इन्हें अपनी बहुत मेहनत की आ, क्योंकि जिहड़ा हैगा सक्सैस लई कोई शॉर्टकट नहीं है, ओनली हार्डवर्क। तो हार्डवर्क च इन्हें कोई अपनी कसर नहीं छड़ी, क्योंकि रात को 11-12 बजे भी कई बार असं उठते तो पढ़ा हुंदा सीगा, तो सानू इनू कहना पैंदा सी भई सो जा बस कर हुण सवेरे बाकी कल नू पढ़ लई, बट इन्हें अपनी जिहड़ी निरंतर परिश्रम किया, कोशिश की, हार्डवर्क की, इनू जिहड़ा फल मिलिया आ, तो ईश्वर का भी इस आशीर्वाद आ, तो परमात्मा करे कि अगे भी यह इन्ने वधिया तरीके नाल पढ़ता रहे और मेहनत करता रहे, तो दिन दुगनी रात चौगनी स्टडी के फील्ड के अपनी की कह सकते हैं जी उन्नति करे। तो बाकी ये असी जो भी है कभी इन्हें तो आप फोर्सफुली नहीं किया, तो मैं तो सारे यही कहूँगा कि असी जिस तरह इनू हमेशा एडवाइज़ ही देंदे रहे, इनू ऑर्डर नहीं किए भी इदा नहीं इदा कर, जिदा पेरेंट्स आ कि बहुत ज़्यादा प्रैशर ना बच्चों से बना जे, क्योंकि इनू रिलैक्स ही आप रखिया वह फल आ जी, तो बाकी यदि मेहनत आ, इन्हें अपनी मेहनत के नाल सारा कुछ किया, तो बहुत खुश हाँ जी असी, थैंक यू सारे का जी। जी अज साडे लई जी बहुत खुशी का और माण का दिन आ, बड़े किस्मत वालों नूं इह वाला दिन नसीब हुंदा आ। जो बच्चे कामयाब होंगे आ सब तो ज़्यादा खुशी पेरेंट्स नूं हुंदी आ, इहदे विच सारा जिहड़ा क्रैडिट आ इहदी मेहनत नूं जांदा आ। बचपन तो मैनूं कदी इहनूं कहना नहीं पिया, मैं बहुत अपने फ्रेंड्स तो सुनदी हुंदी सी अपने बच्चों नूं सानूं कहना पैंदा पढ़न लई, पर अज तक मैनूं इहनूं कदी नहीं कहना पिया कि पढ़ लै। शुरू तो ही इह पढ़ाई विच बहुत अग्गे रहा आ, इस टेस्ट लई तां इहने बहुत तैयारी की, क्योंकि लॉकडाउन च घर मेरे सामने रहा, अदरवाइज होस्टल सीगा, तो मैनूं कदी इदां हुंदा नहीं सी कि पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। हुण तां अखां सामने असीं आप देखिया बच्चे ने इन्नी मेहनत की, खाना भी इहनूं बैठे बैठे क्लास लगांदे नूं ऑनलाइन नूं देईदा सी, ते इहने इन्नी मेहनत की, सानूं बहुत खुशी आ कि इहनूं इहदी मेहनत दा फल मिलिया। शुरू तो इह पढ़ाई विच बहुत अग्गे सी, 10th च वी इहने सैकिंड रहा आ, ते 12th विच वी पूरे शहर विच इहने टॉप कीता सीगा। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।